सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आई शानु कुमार टू दी लैट शानु कुमार वेलकम ऑल माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर टू ऑल आवर थोड़ा सा न्यू यूट्यूब एजुकेशन चैनल टू दी लैट शानु कुमार। सो मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोगों ने मोशन के फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके सारे सब टॉपिक्स की नॉलेज ले ली थी, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को दें, इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लें जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो भी यहाँ से चालू करें। आज हम मेन चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। की हो जाए, रिलैक्स हो जाए, बहुत ईजी है, बहुत ज़रूरत है डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने की। और उसी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई को जारी करते हुए आज हम अपना चालू करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। इसका डिफिनेशन कि मोशन होता क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन रिफर्स टू द पोजिशन ऑफ अ पर्सन। समझिएगा मैंने क्या बताया था, या की पॉइंट याद कीजिएगा। की पॉइंट क्या होता है? पोजिशन ऑफ अ बॉडी। अगर किसी बॉडी का पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी भी बॉडी का पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदलते तो टाइम बदलने के साथ साथ अगर किसी बॉडी का पोजीशन भी बदलता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी टेकन एज रिफरेंस पॉइंट। देखिएगा ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मोशन क्या होता है? इफ द पोजिशन ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी का पोजिशन चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में और स्टेशनरी बॉडी और विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, किसी रुके हुए चीज के नजरिए से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में और डिटेल में बताया था नजरिए में क्या होता है, उसका मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक कार है, कार में दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, सीता गीता, और बाहर से राम खड़ा है, सीता गीता लेफ्ट ए बी एंड सी। ए मार्कर अच्छे से घूम नहीं रहा है, उसमें ए बी एंड सी, ठीक है। तो अगर ये क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी मतलब रुका हुआ बॉडी, तो इसमें स्टेशनरी बॉडी क्या है? सी है। तो सी क्या है? एक रुके हुए बॉडी के नजरिए से, रिफरेंस पॉइंट क्या होता है? नजरिए से। तो एक रुके हुए बॉडी के नजरिए से देखेंगे वो बहुत जरूरी है, उसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था। तो ये देखिए, ये सी के नजरिए से हम देखेंगे तो ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम किसी मूविंग बॉडी को रिफरेंस पॉइंट ले लें, जैसे मैं ए को रिफरेंस पॉइंट ले लूँ, ए के नजरिए से देखूँ, तो मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक कार में बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे सामने जो दोस्त बैठा हुआ है वो तो आराम से बैठा हुआ है, वो मूव भी नहीं कर रहा है, यानी आपको लगेगा कि वो मोशन में नहीं है। जैसा कि अगर हम ए से पूछे कि क्या बी मोशन में है, वो कहेगा नहीं, बी तो मेरे सामने चुपचाप बैठा हुआ है, वो तो कोई मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उससे पूछा जाएगा कि क्या सी कोई मोशन कर रहा है, वो कहेगा कि हाँ सी मोशन कर रहा है, वो पीछे जा रहा है। अगर ये आप देखते होंगे, आप कार में बैठे होंगे, कार आगे जा रही होगी, तो आपके बगल के जो भी लोग होंगे, जो भी, वो लगता है पीछे जा रही है। तो ए को क्या लगेगा कि बी रेस्ट पे है लेकिन सी मोशन में है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने पढ़ाई को। अब हम देखने वाले हैं क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? मीन्स मात्राएं, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं क्वांटिटीज़। ये बोर्ड हटाने के बाद मात्र चल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो क्वांटिटी के आगे अगर हम लगा दें फिजिकल क्वांटिटीज़,
यानी भौतिक परिमाप, मतलब जिससे हम चीज, जैसे आप देखिए लंबाई नापना होता है तो लेंथ, वो क्या होता है एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। किसी का वेट नापना हो तो किलो सॉरी वो हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी, कि अगर किसी दूध को नापना होता है तो लीटर, वो हो गया एक अलग फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी तरह अगर किसी के स्पीड को नापना हो तो किलोमीटर पर आवर, ये हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। किसी के लेंथ को नापना हो तो मीटर किलोमीटर, ये सारी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में बांटा गया है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, रेड मार्कर चल क्यों नहीं रहा है भाई, इनटू टू कैटेगरी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि अभी टाइम कितना हो रहा है तो आप क्या बता सकते हैं, 7:30 हो रहा है। कोई कहे कि आपके सॉरी बोतल में पानी कितना आता है तो आप कहेंगे 1 लीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके आपकी लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर, मीन्स लेंथ 8 फुट 7 फुट 7 फुट 10 इंच, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि बेतिया यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, बेतिया हमारे पास का सर है, तो आप कहेंगे कि, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, कोई आपसे कहेगा बेतिया यहाँ से कितने किलोमीटर है तो आप कहेंगे कि 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, किस साइड में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आप कह देंगे बेतिया यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि 45 किलोमीटर नॉर्थ, 45 किलोमीटर साउथ, 45 किलोमीटर ईस्ट। इस चीज़ को बताने के लिए आपको करना होगा 45 किलोमीटर वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे थे, कितने स्पीड से जा रहे थे, तो आपको बताना होगा कि मैं 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। तो ठीक है, आप 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे तो किस डायरेक्शन में जा रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे कि साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे, कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ से हम दो कंक्लूजन निकालते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी सिर्फ क्वांटिटी बता देने से काम चल जाता है, यानी टाइम कितना हो रहा है 7:30, पानी कितना है 1 लीटर, लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी क्वांटिटी बताने के साथ साथ हमें उनका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, जैसे बेतिया यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, पटना यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, तो 45 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उसी आधार पर हमें दो क्वांटिटीज मिली, एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप ये देखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड बोले तो क्वांटिटी उनके पास, मतलब जैसे 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, लेकिन ये जो साउथ 7 किलोमीटर साउथ, तो ये हो गया उसका डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी 7 किलोमीटर, ये क्या है सिर्फ क्वांटिटी, इसके पास अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं कहूँ कि आपके खेत की लंबाई, आपके फील्ड की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर मेरे फील्ड की लंबाई है, तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ एक क्वांटिटी हो गया। तो समझिएगा वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया और स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया। वेक्टर क्वांटिटी वो हो गया जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड, जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, एज वेल एज डायरेक्शन हो। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड। तो आई होप आप पहले ये थोड़ा सा समझे होंगे कि बोलते आई एम सॉरी, आपको इतना समझे होंगे कि दो चीजों का है, क्या है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वी क्या आता है, RSTUB, वी बाद में आता है, यानी इसके पास ज्यादा चीजें होंगी, जो बाद में आता है उनके पास ज्यादा चीजें होती हैं, तो वी बाद में आया है यानी उसके पास
स्पर्श मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा। स्केलर पहले आ गया यानी स्पर्श कौन चीज होगा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब मैं इसको अच्छे से डिफिनेशन वाइज दोनों क्वांटिटीज को, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी सी डिफिनेशन अच्छी तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या है स्केलर क्वांटिटी, फिर से मार्कर की दिक्कत आते हुई आई थिंक चलते चलते ये ठीक हो जा रहा है। स्केलर क्वांटिटी रुक जा रहा है तो ये खराब हो जा रहा है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, माय डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और साइज, मींस अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और साइज, मीन जिसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड एक नंबर सा हो, जैसे कि लेंथ हो गया। लेंथ अगर किसी चीज की लंबाई बताया जाए कि आपकी इस पेन की लंबाई कितनी है, तो आप अगर कह देंगे 10 सेंटीमीटर, तो क्या 10 सेंटीमीटर आगे 10 सेंटीमीटर पीछे, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये 10 सेंटीमीटर है तो कहीं किसी डायरेक्शन में ले जाओ, ये 10 सेंटीमीटर ही होने वाला है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लीटर कितने लीटर है, दूध कितने लीटर है, तो 10 लीटर साउथ 10 लीटर ईस्ट, ये नहीं कहेंगे। जब होगा तो ये ऐसे ही होगा। एक और दो चीज, केजी, केजी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका भी कोई डायरेक्शन, आपका जो वजन है इसका कोई डायरेक्शन नहीं। आप कितने किलो के हैं, तो 5 किलोमीटर साउथ एंड 5 किलोमीटर वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो केजी है, जो वेट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा आप दो एग्जांपल्स और याद कर लेंगे, डिस्टेंस जो एक लेंथ से रिलेटेड है, डिस्टेंस, और दूसरा है स्पीड। ये आपके सिलेबस के दो टॉपिक्स हैं जो क्या है स्केलर क्वांटिटीज, हम आगे इनको बात करने वाले हैं। अब आइए वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हुई, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इनका दो एग्जांपल आप ये लेंगे, एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा लेंगे वेलोसिटी, तीसरा लेंगे एक्सीलरेशन। अभी आपके इस चैप्टर के ये तीन टॉपिक्स वेक्टर क्वांटिटी है, इनको तो याद करना है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन। राइटिंग थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज करना, समझना, भावनाओं पे जाना, राइटिंग पे नहीं, शब्दों पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रेशर देखिएगा, ये पेन है मेरा, ये प्रेशर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये नीचे जा रहा है। अगर मैं इधर से लगा रहा हूँ तो ये इधर जा रहा है, मैं अगर इधर से लगाऊंगा तो ये इधर जाएगा। इसे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो फोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड को ऐसे दबाऊंगा तो ये अंदर की तरफ दबेगा, अगर मैं इसको इस साइड से दबाऊंगा तो ये ब्लैक बोर्ड मेरा इस डायरेक्शन में भागेगा, और इस साइड से दबाऊंगा तो मेरा ब्लैक बोर्ड इस डायरेक्शन में भागेगा। यानी यहाँ पे भी कुछ डायरेक्शन क्या है कि जिस डायरेक्शन से आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन से, तो फोर्स भी अपना एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम जाने वाले हैं अपने मेन टॉपिक जो है डिस्टेंस। चलिए, अभी बोलने का उतना आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लग रही है बोलते बोलते, पर धीरे धीरे हम भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाएंगे, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाएंगे। इसी के साथ अब हम अपना डिस्टेंस टॉपिक चालू करने वाले हैं।
डिस्टरबेंस तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन हम भी पढ़ाई को चलाते रहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम चालू करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप अपने घर से निकले, लेट वो पॉइंट है ए, ए आपका घर हुआ। आप अपने घर से निकले, आप अपने स्कूल गए बी, आप अपने स्कूल गए, यहाँ जो आपका 10 मीटर है आपके घर से, 100 मीटर की दूरी पे आपका, 100 मीटर की दूरी पे आपका स्कूल है, लेट पॉइंट बी, ठीक है। आप बी अपने स्कूल गए, फिर अपने बी स्कूल से निकले और फिर अपने सी, सी अपने एक फ्रेंड के घर गए जो आपके स्कूल से 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। आप अपने स्कूल फ्रेंड के घर गए सी, सी से आप अपने फ्रेंड के घर से निकले और आप डी पॉइंट पे पहुँचे, डी पॉइंट पे पहुँचे जो 60 मीटर है वहाँ से, और वहाँ पे आप अपने शॉप पे पहुँचे, ठीक है। आप अपने शॉप पे पहुँचे और फिर आप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेट लिख इतना ही नाम देते हैं। आप अपने घर पे थे, घर पे से स्कूल गए, स्कूल से अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक है, और फिर फ्रेंड के घर से, लेट सी हो गया सी, फ्रेंड के घर से आप फिर चले और डी पॉइंट पे पहुँचे 50 मीटर और अपने दोस्त के आ गए, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे, ठीक है, इसी पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि आप कुल कितने मीटर घूमे, ठीक है, मतलब आप अपने घर से निकले, स्कूल गए, फ्रेंड के घर गए, अपने शॉप पे घर, अपने शॉप पे हैं, तो आप कितने देर घूमे, तो कितने दूर घूमे। तो ये तो जेन्यून सा बहुत ही सिंपल सा एक मैथ्स है। आप कहेंगे सर ए बी को, भैया ए बी को, बी सी को और सी डी को ऐड कर दें, यानी कुल कितने लेंथ मैंने टेबल के उन सब को याद कर ऐड कर दे, तो 150 and 50 ये हो गया 200, मैंने 200 मीटर ट्रेवल किया। तो देखिए आप इस एग्जांपल से डिस्टेंस का मतलब समझ गए। डिस्टेंस क्या हुआ कि आप जितने भी पाथ के लेंथ का ट्रेवल किए, यानी डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी। कोई भी बॉडी, कोई भी आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने द्वारा जितनी भी दूरी ट्रेवल किया होता है, मतलब जितनी भी दूर ट्रेवल किया होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो वो कितना लेंथ है, ए बी, बी सी और सी डी, यानी डिस्टेंस सिंपली वो होता है कि आप जितना भी जहाँ जहाँ घूमे, जितने भी मीटर घूमे उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट का बारे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल मतलब समझिएगा, यानी स्टार्टिंग, इनिशियल मीन्स हो गया स्टार्टिंग, और फाइनल मीन्स, तो इनिशियल और फाइनल मतलब तो एंडिंग, यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी होता है। आप कहीं से निकले, कहीं गए, पूरा देश दुनिया घूम करके जिस पॉइंट पर आके रुक गए उस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट से आपने चालू किया था उस पॉइंट से, यानी आप घर से निकले, घर से दुकान पर गए, अपने दोस्त के घर गए, एक और दोस्त के घर गए, स्कूल गए, स्कूल से निकले, लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से निकले, होटल गए, होटल मीन्स जितना भी दूर आप ट्रेवल किए, अगर एंड में आप आके फिर इस जगह पे खड़े हो गए, तो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल यानी स्टार्टिंग और फाइनल यानी एंडिंग पॉइंट्स पर डिपेंड करती हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, ये हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, ए से निकला है, बी सी डी पर आके रुक गया है, तो ए से लेकर के डी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, ए से लेकर डी को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन को जोड़ने वाली जो ए डी लेंथ होगी वही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। आई होप
हाँ तो फ्रेंड्स मैं क्या बता रहा था दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का, आप जितने दूर ट्रैवल किए उसको, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहती है। अगर इस केस में चाहूँ तो मैं ऐसा कुछ करके आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, ये 50 तो ये भी 50, ये 100, ये 50 तो ये भी 50, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। आई होप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से आप समझ रहे हो, नहीं भी समझ रहे हो तो भी बाबा हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और चलिए अब हम आई होप कि मैंने थोड़े से एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट कि ये एक मैप है, लेट ये एक मैप है, मैप में कभी भी अगर हम नॉर्थ साउथ ये एक चीज़ दिमाग में रख ले, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि नाम इतना किलोमीटर नॉर्थ गया, इतना किलोमीटर साउथ गया, फिर इतना किलोमीटर ईस्ट गया, तो आपको वो पेपर पे कैसे बनाना होता है, पहले तो ये कैसे क्रॉस दे देंगे, और हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्थ लिखेंगे, नीचे के डायरेक्शन में साउथ लिखेंगे, नॉर्थ पेज के ऊपर सबसे ऊपर, साउथ नीचे, इधर डब्ल्यू वेस्ट और इधर ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, इस तरह से मैप बनाते हैं। तो लेट अगर मैंने कहा कि एक मैन है वो इस पॉइंट ओ से चालू करता है, इधर जाता है वो 5 किलोमीटर, ठीक है, बी पॉइंट ए पॉइंट पर, और फिर ऊपर जाता है बी पॉइंट पर 4 किलोमीटर, ठीक है। देखिएगा एक आदमी है वो ओ पॉइंट पर खड़ा था, ओ पॉइंट से वो चला इधर 5 किलोमीटर, इधर चला वो 5 किलोमीटर, और फिर वो ऊपर गया 4 किलोमीटर, इधर गया वो 5 किलोमीटर, और इधर ऊपर गया वो 4 किलोमीटर बी पॉइंट पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो इधर गया मीन्स ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर, फिर नॉर्थ की तरफ गया 4 किलोमीटर, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भैया, कितना डिस्टेंस है 5 + 4 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट सुनते ही आपको सबसे पहले इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग यानी फाइनल पॉइंट के बारे में सोचना होगा। तो इस केस में इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ से चालू किया है ओ, और वो फाइनल कहाँ तक गया है, तो बी तक गया है, यानी बी हो गया उसका फाइनल पॉइंट, मना क्या ओ बी, तो ओ बी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से अगर मैं जोड़ देता हूँ, ओ बी पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ, तो वो जो लेंथ होने वाला है वही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ओ बी जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको हम फिर से और डीपली पढ़ेंगे जब हम और अच्छा, आई होप आपको ये अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब थ्योरेटिकल ब्ला ब्ला डिफिनेशन वाला ब्ला ब्ला कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, डिस्टेंस सॉरी बोलते बोलते बिल्कुल मुंह दुख जा रहा है, तो हम डिफिनेशन लिखते हैं डिस्टेंस का। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज द, देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा खुद से, बुक की ऐशांत की बुक आपकी बाइबल है, सबसे बेस्ट बुक है, सिंपल लैंग्वेज, फुल थ्योरेटिकल, फुल क्वेश्चन, वो बेस्ट बुक है, मैं भी उसी बुक से पढ़ता हूँ, आप भी उसी बुक से पढ़ें सॉरी। और चालू करते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल यानी रियल एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होगी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इरिस्पेक्टिव यानी बिना उसको देखते हुए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन यानी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होता है, वही सही रास्ता, वही सही मेजरमेंट, सही लंबाई होती है
जिसको बॉडी ने पूरा कवर किया हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने, किसी आदमी ने जो पूरी लेंथ कवर की होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है, वो जिस जिस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जितना लेंथ ट्रेवल किया होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस यहाँ क्या कह रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी इसको तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको क्वांटिटीज में बताया कि जिनको डायरेक्शन से, जिन क्वांटिटीज को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ओ सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ध्यान कहाँ है मेरा, ध्यान ध्यान लगाइए कि जिनका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, यानी अपना जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, ओके माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर आप घर से निकलते हैं और कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस मीन्स, अगर आप अपने घर से निकले, एक पॉइंट से निकले और थोड़ा सा भी दूर जाकर के बी पॉइंट पर रुक गए, देखिएगा छोटा सा भी, तभी भी डिस्टेंस कोई ना कोई हो ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप घूमने निकले और आपकी डिस्टेंस जीरो हो गई। तो इस पॉइंट को देखिएगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अभी आपको ये थोड़ा फालतू सा पॉइंट लग रहा होगा कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ये कौन सा पॉइंट है, नेवर बी जीरो, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप डिस्टेंस के अलावा डिस्प्लेसमेंट को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको इस पॉइंट की अहमियत समझ में आएगी कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ये क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था, जैसे कि हम कहते थे कि इन, कोई कहता था कि राम ने मीन्स राम, राम मान लीजिए एक इंटरनेशनल कोई पर्सनालिटी है, वो कुछ दूर ट्रेवल किया, तो इंडिया वाले कहते थे राम 7 मीटर मीन्स 7 मीटर ट्रेवल किया है, कोई कहता था राम 7 किलोमीटर मीन्स। देखिएगा कॉन्सेप्ट ये है कि सभी लोग एक यूनिट का यूज करें, जैसे सभी लोग एक ही, मतलब कोई पूछ लिया कि किसी चीज की इसकी लंबाई कितनी है, तो ये कहता था 700 मीटर है, कोई कहता था 7 किलोमीटर है, कोई कहता था मीन्स कोई मीटर में, कोई मिलीमीटर में, कोई सेंटीमीटर में, सबके आंसर्स तो एक ही होते थे, लेकिन उन लोगों के जो यूनिट्स होते थे वो अलग अलग होते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी चीज़ों की एक एसआई यूनिट डिसाइड की गई। सॉरी गला बच जा रहा है बोलते बोलते, थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पीते रहें, ताकि वैसे क्या हो जाए आपका जो माइंड पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा नींद आने लगता है स्क्रीन पर, उससे उबे बाहर आएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, थोड़ा सा पॉज मारे। पानी पिए, ऐसे दिमाग भी आपका रिफ्रेश होगा, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए ज़्यादा पानी पिएंगे तो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाएंगे, उससे भी आपके शरीर में थोड़ा सा हलचल होगा, उससे आप एक्टिव रहेंगे। तो अब ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे थे, तो सभी का जो यूनिट है वो सेम हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा यूनिट बना दिया कि भाई आपको जब भी आंसर देना होगा तो आप इसी यूनिट में देंगे, और उस यूनिट को मीटर कहा गया। यानी डिस्टेंस को बताने के लिए तो बहुत सारे यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, लेकिन जब भी किसी लेबोरेटरी, किसी केमिकल, कोई मीन्स फिजिकल चीज में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो क्यों क्या मीटर में किया जाता है, क्योंकि मीटर हमारी ऐसा यूनिट है। तो डिस्टेंस की ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कि डिस्टेंस की डिफिनेशन क्या हुई, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, और ऐसा यूनिट मीटर हो गई। तो आई होप आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे अब खसखस हो रही है गला में, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं अभी,
तो मैं कोशिश करूंगा कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, उस रिलेशन को, उस डिफरेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, डेली पढ़िए। तीन चीज़ें पढ़नी है, जो आपको कल पढ़ाया गया, जो आपको आज पढ़ाया गया, और जो आपको कल पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान लेते रहिए। तब तक के लिए इस खसखस वाली आवाज़ से ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय।